नमस्कार दोस्तों, आन ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते समय कौन कौन सी बातों का निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम आए हैं एक सेकेंड हैंड फोर व्हीलर खरीदने के लिए, जो महिंद्रा स्कॉर्पियो M2 DI है। तो दोस्तों सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इस गाड़ी का इंजन कैसा है। सबसे पहले हम इसका बोनट खोल लेते हैं। यह तो पूरी तरह से ऊपर से सही दिखाई दे रहा है इंजन। अब हम इसको चेक करेंगे कि इंजन कहीं बैक कंप्रेसर तो नहीं है। तो इंजन इसका है सादा इंजन है M2 DI का, और सादा पंप भी है इसका। तो दोस्तों पंप दो प्रकार के होते हैं, एक रोटरी पंप होता है, एक सादा पंप होता है। तो दोस्तों इसका सादा पंप है। अब हम इसको चेक कर ले रहे हैं कि इसका इंजन पूरी तरह से फिट है। तो दोस्तों सबसे पहले हम गेज को निकाल लेंगे। जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, अगर गाड़ी बैक कंप्रेसर होगी तो यहाँ से मोबिल निकलना, गाड़ी का जो आयल होता है मोबिल, ये निकलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों हम गाड़ी को स्टार्ट करके एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं गाड़ी का इंजन ऊपर से तो देखने में ठीक है, कहीं अंदर से ये बैक कंप्रेसर तो नहीं है। तो दोस्तों हम गाड़ी को स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। गाड़ी पूरी तरह से स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले हमें देखना है यहाँ इंजन का, जहाँ से हमने देखा है यहाँ पर, जब आप देखेंगे तो अगर इंजन बैक कंप्रेसर होगा तो यहाँ से मोबिल ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ आएगा। और इसको हम देखेंगे, इसमें हल्का सा भी ऑयल का कहीं कोई शिकायत नहीं है, इंजन का फिट है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से। हम इसको देख लेते हैं कहीं ये गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है, तो तो आगे से दिखाई दे रहा है, और आगे चल रहा है पीछे साइड से, कहीं साइड से कभी टच नहीं हुई है। दोस्तों वैसे तो इसका सब कुछ फ्रेश दिखाई दे रहा है, इसमें कोई टचअप नहीं हुआ है। और अंदर का कंडीशन देख लेते हैं, इधर से भी पूरे तरह से सही है, इधर से भी गाड़ी सही है। छत देखते हैं, इसमें थोड़ा सा टॉप जो होता है इसका ये ढीला है, बाकी सीट वीट तो सब कुछ सही है। तो दोस्तों इसके टायर की कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो टायर तो इसका पूरी तरह से एकदम नया है, 15 नंबर का इसमें टायर लगा हुआ है। लगभग इसका चारों टायर दोस्तों नया लगा हुआ है, एक ही साथ का लगा हुआ दिख रहा है। इसके टायर की कंडीशन पूरी तरह से फिट है, ये पूरी तरह से नया है। दोस्तों हमें इसमें एक चीज़ और देखना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि गाड़ी अगर बैक कंप्रेसर हो या इसका इंजन सही नहीं हो, गाड़ी मोबिल खा रही है, तो इसके लिए इसके साइलेंसर को एक बार हम लोग चेक कर ले रहे हैं ताकि। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये लगभग ठीक है। इसका साइलेंसर, इसके साइलेंसर से धुआं को चेक कर लिया जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी ठीक है। दोस्तों यह 2011 मॉडल 17/7/2011 की ये गाड़ी है, और इसको हम लोग 3.5 लाख रुपए में खरीद रहे हैं। ये हमारे हिसाब से काफ़ी फिट गाड़ी है।